नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर आप अपने एक्सपोर्टर को कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए नो कॉन्टैक्ट रूल चल रहा है और उसी बीच में आपने अपने एक्सपोर्टर को मैसेज कर दिया या फिर कॉल कर दिया तो इससे क्या होता है। अगर देखो मेरे दोस्त, अगर तो वहाँ ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम इंटरनेट पर आए हो कि भैया अपना ब्रेकअप को पैचअप में कैसे बदले, तो तुम्हें एक चीज़ ज़रूर कॉमन दिखी होगी, तो नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हें ज़रूर दिखाओ। यहाँ ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला मेथड होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर आप अपने पार्टनर को मैसेज करते हैं तो उससे उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो पूरी वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल पर सारे कनेक्शन क्यों खत्म कर लेने चाहिए। चलिए बिना वक्त हुआ इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर कोई तुम्हारा रिलेशनशिप था उसमें ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम सब कुछ कर धर के देख चुके हो, हर तरीके से तुमने ट्राई कर लिया है और सब कुछ कर धरने के बाद तुम इंटरनेट पे आओ, और जैसे ही तुम इंटरनेट पे आओ तो बहुत ढेर सारा कंटेंट मिल गया है इसके रिगार्डिंग, और इसमें नो कॉन्टैक्ट रूल तुमने देखा। नो कॉन्टैक्ट रूल में सब लोग यही बताया करते हैं कि भैया नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट नहीं रखना, नाम से ही लगता है। और ऐसे में भी अगर आप मैसेज कर रहे हैं, आप इस चीज़ को मान नहीं रहे, तो ऐसे में क्या होगा, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भैया हम क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल में, और अगर हमने एक बार कर भी दिया तो उससे क्या होगा। तो अगर देखो मेरे दोस्त, तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर तुम कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो एक चीज़ सबसे पहले समझ लो इसके जवाब से पहले, कि नो कॉन्टैक्ट रूल में हमें कनेक्शन इसलिए तोड़ना होता है ताकि हमारी आदतें ख़त्म हो पाए, ठीक है। हम एक्स के ऊपर कुछ नहीं करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल सबसे पहले तो हमें खुद को ठीक करने के लिए होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि देखो अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा पार्टनर का तुमको छोड़ के गया है, तो उसमें पूरी गलती उसकी नहीं है, 50% तुम्हारी भी है। तुमको 50% हमारी क्यों है भाई, हमने क्या किया, हम तो सिर्फ प्यार करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ और प्यार 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 और प्यार से नहीं चलता, ठीक, उसमें होना चाहिए बैलेंस। और अगर तुम हर समय इमोशनल रहते हो, हर समय प्यार की बातें करते हो, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। अभी तुम्हें भले लग रहा है कि तुम जिंदगी भर प्यार 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 करके चल लोगे, ऐसा नहीं है। आज तुम्हें कमी लग रही है इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, कल तुम्हारे पास भी वो चीज़ें आ जाएंगी तो तुम भी ठंडे पड़ जाओगे, ठीक है। वापस आते हैं मुद्दे पे। तो नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर आप अगर आप अपने एक्स पार्टनर को कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, उससे पता है क्या होगा, कॉल मैसेज करोगे तो मैं मन की बात तो बोलेगा नहीं। सबसे पहले कंडीशन बताता हूँ कि वो इंसान फ़ोन ही नहीं उठाएगा, ठीक, अगर तुम अनब्लॉक बचे हो तो, ठीक। बहुत ज़्यादा बात ख़राब कर लोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, उससे भी ज़्यादा बात ख़राब कर लोगे तो तुम दाएं बाएं किसी फ़ोन से अगर उसको कॉल करोगे तो मैं आवाज़ सुनते हुए इंसान ब्लॉक कर देगा। आवाज़ सुना नहीं, इसने ब्लॉक कर दिया। वो इसलिए नहीं करेगा कि बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो मेरे दोस्त। अब उससे तुम उसका कॉलर पकड़ के उससे बोल रहे हो कि मुझे रिलेशनशिप दो, मुझे प्यार दो, तो कहाँ वो इंसान कर पाएगा भाई, उसने तो गलती की ही है, उसने जो करना था ब्रेकअप के समय कर ही डाला है। अब तो तुम सिर्फ उससे जद्दोजहद कर रहे हो कि वापस रिलेशनशिप में, तो वो उठा के ब्लॉक कर देता है तुमको उठा के, ठीक है। ये ब्लॉक भी क्यों करता है, क्योंकि परेशान आ गया होता है, तुमको लगातार रिलेशनशिप मांग रहे होते हो और भैया उसे रिलेशनशिप करना नहीं होता तुम्हारे साथ, ठीक है। प्यार मोहब्बत की बातें सुन के उसको करंट लगता है, एटलीस्ट तुम्हारे मुँह से तो, ठीक। कोई दूसरा प्यार मोहब्बत की बातें करेगा तो एक बार वो ध्यान नहीं देगा, लेकिन तुम जहाँ करोगे उसका मूड ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो अगर तुम अपने नो कॉन्टैक्ट रूल में उसको कॉल मैसेज करते हो तो पहली कंडीशन है अगर तुम अनब्लॉक बचे हो तो वहाँ कॉल नहीं उठाएगा। मान लो गलती से उसने कॉल उठा लिया तो बहुत ही ठंडा रिप्लाई करेगा, ठीक है, हाँ हूँ मैं रिप्लाई करेगा, और जहाँ तुमने रिलेशनशिप की बात की वो मना कर देगा। और तुम्हें यही सुनना होता है क्योंकि तुम ये सोच लेके जाते हो कि तुम्हारा उसके ऊपर हक है। जो इंसान तुम्हारे बिना दो मिनट भी जी नहीं पाता है, दो महीने से उसका एक भी कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आया, ये सोच सोच के तुम्हें गुस्सा लगती है, और उसको कुछ हुआ थोड़ी ना होता है, ना तुमको कुछ हुआ रहता है। छोटी सी बात यह है कि मेरे दोस्त, कि तुम उसके पीछे इतना भाग चुके होते हो कि वो इंसान एकदम थक चुका होता है, ठीक है, तुमसे पीछे छुड़ाते छुड़ाते। फिलहाल के लिए उसे खाली छोड़ना है, फिलहाल के लिए उसे तुम नहीं चाहिए, चाहे कितना भी आगे चल के उसे दिक्कत हो जाए, लेकिन करंट में आज नहीं चाहिए। आज उसे कोई भी समझाएगा कि देखो तुम अपने पार्टनर से ब्रेकअप ना करो, कल वो इंसान वापस नहीं आएगा, आज वो इंसान तुम्हें इतना मिस कर रहा है, कल तुम भी उसे उतना मिस करोगे, लेकिन तब भी तुम्हारा पार्टनर मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसे तुमने इतना यकीन दिला दिया तुम कहीं नहीं जाओगे। तो उसे पता क्या लगता है कि वो अगर दो साल बाद भी आएगा ना तो रिलेशनशिप के नाम में तुम दौड़े दौड़े आओगे, तुम्हें वो 5 बजे फ़ोन करेगा तो तुम उठा लोगे। और बिल्कुल इस पर सत्य है, 5 बजे सुबह के अगर तुम सो रहे होगे, उठ रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे, वो इंसान तुम्हें कॉल करता है तो तुम कॉल उठा लोगे, और कॉल ही नहीं उठाओगे, कॉल उठाने के साथ सब अपनी कहानी बताने लग जाओगे, तुमने कितना उसे मिस किया, तुम तेरा कितना प्यार कर, और आज भी तुम शांत आए तोड़ के ला सकते हो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है तुम उसे बताते रहते हो, तो इस इंसान से वो इंसान बिदक जाता है। दूसरी चीज़, अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर तुम कॉल में टेक्स्ट मैसेज करते हो तो पहली कंडीशन ये थी कि कॉल उठेगा नहीं, उठेगा तो इंसान ठीक से रिप्लाई नहीं करेगा,
तो ऐसे में क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ेंगी। आज तुम्हारी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई है तभी तुम किसी लायक नहीं बचोगे, नहीं वरना ये जो तुम्हारा नालायक एक्स है ना, तुम्हारे सामने कहीं भी नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है, कहीं भी नहीं ठहरता तुम्हारे आगे। लेकिन तुम्हारा क्या है, कॉन्फिडेंस ही ज़मीन में धंसा हुआ है, तो तुम्हें लग रहा है देश का प्रधानमंत्री बनना ज़्यादा आसान है लेकिन एक्स को पाना कठिन है, ठीक है। तो आप समझो इस चीज़ को कि ये आपके माइंडसेट ने बना रखा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, ठीक है। वो इंसान बहुत मैटर करता है, वो इंसान मैटर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, वो इंसान मैटर इसलिए करता है कि तुम्हें मन वाली बातें नहीं कर रहा है। वो थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, मैं ये तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नो कॉन्टैक्ट रूल में क्यों नहीं कॉल करते, नो कॉन्टैक्ट रूल में कॉल करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वहाँ पर भेजा गया, तुम कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ाओगे अपनी, और जो तुम्हारी चोट है वो कभी सही नहीं होगी। एक चीज़ तुम समझ लो, अगर तुम्हें ये चीज़ लगती है कि तुम्हारे एक्स के बिना तुम्हारा जीवन नहीं चल पाएगा, ना चल पा रहा है, सब भ्रम है मेरे दोस्त। आज तुम्हें एक्स पार्टनर की कमी इसलिए महसूस हो रही है कि तुम्हें बात करनी है उससे, तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तुम्हारा जीना हराम है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते तुम्हारे हर समय तुम्हें एक्स पार्टनर की बातें तुम्हारे दिमाग में घूम रही है, जो कि तुम्हें लगातार मजबूर कर रही है उसको कॉल मैसेज करने के लिए। लेकिन एक बात समझ लो मेरे यार, मेरे दोस्त, कि अगर उस इंसान के पीछे भागोगे तो वो इंसान तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है। कितना भी तुम लायक होगे और कितना भी वो नालायक होगा, उसके पीछे भागोगे तुम्हारी वैल्यू ख़त्म रहेगी, वो इंसान तुम्हें कंसीडर नहीं करेगा, किसी ऐरे गहरे के पास चला जाएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं चीटिंग करने के बाद जो थर्ड पर्सन के पास चला जाता है उसने तुमको धोखा थर्ड पर्सन के लिए दिया, नहीं भैया, वो तुमसे परेशान था तो वो थर्ड पर्सन को वो कॉम्प्रोमाइज़ करके लाया है। तुमको क्या लगता है थर्ड पर्सन से ब्रेकअप हो जाएगा, लुढ़क के तुम्हारे पास आ जाएगा, उसे लगेगा कि यार तुमने बहुत बड़ी उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे चरणों में गिरेगा? नहीं, वो चौथे को पकड़ लेगा। दिक्कत क्या है कि तुम उसके किसी काम के नहीं रह गए हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, नो कॉन्टैक्ट रूल में भैया ब्रेक नहीं करना है अपना, नो कॉन्टैक्ट रूल कॉल मैसेज नहीं करना है। और जो तुम्हें लगता है कि मैं नो कॉन्टैक्ट रूल करता रह जाऊंगा, वो इंसान मज़े करता रहेगा और मुझे भूल जाएगा, तो मेरे दोस्त भूलता उलता कोई किसी को नहीं है, कोई भी इंसान किसी को नहीं भूलता है, बस वही है तुम्हें हल्के में लेकर रखा है, इसीलिए वो इंसान कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करता। कॉल टेक्स्ट मैसेज इसीलिए नहीं करता क्योंकि तुम्हें हल्के में ले रखा है। तो भैया नो कॉन्टैक्ट रूल में अपना काम करना है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है और अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। ये तीनों फैक्टर आपके अंदर है तो सबसे पहले जो कोई रिएक्ट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्सपर्ट। तो उम्मीद करो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा, तो आज वीडियो में सकते हैं।